हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चौहान व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को कहाँ लेकर जा रही हूँ। तो देखिए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और हम निकल चुके हैं पूरी फैमिली के साथ एक खूबसूरत सफर पर। आज मैं दीदी लोगों के साथ जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं है, तो हस्बैंड जी हमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम बच्चों के साथ और दीदी के साथ चल पड़े हैं भोले बाबा की नगरी। ये देखिए भोले बाबा का मंदिर, आप लोग इसको देखकर जो देहरादून से वो कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन जो बाहर से हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये है हमारा देहरादून का माड़ोसिद्ध मंदिर। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टेंपल है। हम चार सिद्ध आज करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा ये पहला सिद्ध होने वाला है माड़ोसिद्ध टेंपल। हम यहाँ पर ले लेंगे प्रसाद, आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ का प्रसाद मिल जाएगा। और बारिश में ये मंकी देखिए कितना प्यार से बैठा हुआ है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और हमारे दिल में भी भोले बाबा के प्रति इतना प्यार है कि हम बारिश में ही जाएंगे और भोले बाबा के दर्शन करेंगे। सावन चल रहे हैं तो भोले बाबा के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो हम बारिश में भी नहीं रुके। और देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हम लोगों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चे पहले छाता लेकर पहुंच गए हैं मंदिर में और हम लोग जा रहे हैं पीछे से। ये हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आ चुके हैं हम भोले बाबा के माड़ोसिद्ध मंदिर पर। ये बहुत ही अच्छी जगह पर है, आप यहाँ पर ईजिली आ सकते हैं और हम कर लेते हैं भोले बाबा के दर्शन। दर्शन करने से पहले बच्चों को कर लेते हैं यहाँ पर फोटोशूट और हमने प्रसाद ले लिया है और चलते हैं बाबा के दर्शन कर लेते हैं। आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। जो दूर से हैं, जो नहीं आ सकते हैं, वो मेरी वीडियो के थ्रू ही भोले बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर एक शिवलिंग है, इस शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं और आपकी सभी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाएंगी भोले बाबा के दर्शन करते ही। सावन में अगर आप भोले बाबा को जल चढ़ाओगे शिवलिंग पर, कुछ मांगोगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो हम भी अब पूजा कर लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अंदर धूपबत्ती जलाना अलाउड नहीं है, तो हम आ गए हैं बाहर धूपबत्ती जलाने के लिए। ये जो आ रही है वाइट एंड रेड सूट में, ये मेरी दीदी है और ये बच्चे हैं। यहाँ पर हम नंदी महाराज के पास धूपबत्ती जलाएंगे और ये जीजू भी धूपबत्ती जला रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने पूजा कर ली, अब मेरी बारी है। जो आपको ये सामने दिख रहा है, मेरे सामने जो आपको ये पूरा फ्लोर दिख रहा है, इसमें वसंत पंचमी के दिन जब होता है तो बहुत ज़्यादा लाइनें लगती है मंदिर के दर्शन करने के लिए। वसंत पंचमी के दिन यहाँ पर 2 दिन का मेला लगता है, तो आप लोग आइए और मेले का एंजॉय कीजिए। बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। और अब हम आ गए हैं भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए, तो करते हैं भगवान जी का अभिषेक। पूजा हमारी हो चुकी है ख़त्म और हम आए थे सैटरडे के दिन, इसलिए यहाँ पर आपको भीड़ लग रही है। अगर आप संडे या मंडे में आते हो तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ मिल सकती है। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश कब रुकेगी और हम कब जाएंगे, तो बारिश तो रुकी नहीं, तो हम ऐसे ही चले गए थे। और हम अब पहुँच चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर। यह है मानक सिद्ध मंदिर, जो कि प्रेमनगर से नीचे जाके आपको पड़ता है। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। ये देखिए धान के खेत लगे हुए थे साइड साइड में रोड के, और इतने अच्छे यहाँ पर धान हो रखे थे, तो बहुत अच्छी उसकी खुशबू आ रही थी धानों की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम फाइनली पहुँच चुके हैं मानक सिद्ध मंदिर पर।
पहुंच चुके हैं हम अपनी दूसरी लोकेशन पे, जो कि है मानक सिद्ध मंदिर। ये मानक सिद्ध मंदिर का मेन गेट है, इसके अंदर से आपको प्रवेश करना है। और यहाँ पे छोटी छोटी दो दुकानें लगी थी प्रसाद की, तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया था। यहाँ पे हमें प्रसाद पड़ा था 70 रुपीज का। तो ये देखिए जीजू दीदी से घंटी बजवा रहे हैं, क्योंकि उसकी हाइट छोटी है तो वो उसके साथ खड़े होकर बजवा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर था और काफी बड़ा ये मंदिर था। ये नवी भी घंटी बजवा रहा है अपने मौसा जी के साथ। तो ये है मेन मंदिर, मानक सिद्ध मंदिर, जो देख लीजिए। यहाँ पे अभी पंडित जी नहीं आए हैं, तो हम बाहर वेट कर रहे थे पंडित जी का कि पंडित जी आएंगे तो पूजा करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आज बारिश का दिन था, इसलिए हमें कहीं भी भीड़ नहीं मिली। बहुत शांति से हमने पूजा की। और यहाँ पे नवी के साथ में चढ़वा रही हूँ जल, और बच्चे कर रहे हैं अपनी मस्ती। यहाँ पे भी हमने जल चढ़ा लिया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था। सावन के दिन अगर आप चारों सिद्ध एक साथ कंप्लीट कर लेते हो तो बोलते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और इन्होंने चारों तरफ यहाँ पे जाली लगाई हुई थी बंदर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बंदर आके बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए यहाँ पे चारों तरफ जाली लगाई हुई थी। आपका प्रसाद छीन लेते हैं वो आके, जो भी हाथ में पर्स मोबाइल होता है सब छीन लेते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा उन्होंने कवर किया था आगे पीछे से जाली लगा कर। आ जाओ मेरे कैमरे में, आ जाओ। अरे भाई चैनल का सरप्राइज करो, जो भी करना हो करो, दीदी को मत बोलो। फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण सीट टेम्पल, जो कि ये भी जंगलों में बसा हुआ है, बिल्कुल जंगल के बीच में हमें तीनों टेम्पल मिले थे। लक्ष्मण सीट टेम्पल में ये कार पार्किंग की जगह बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पर भी प्रसाद की बहुत सारी दुकान थी। तो यहाँ पर प्रसाद का रेट अलग था, 100 रुपीज़ था। गाइस पूजा हमारी हो चुकी है, और ये है मानक सिद्ध मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से आपको सीधा जाके पूजा करनी है, और साइड में जहाँ पे दीदी खड़ी है वहाँ पर चढ़ता है जल, शिवलिंग है वहाँ पर। और ये स्पेस बहुत ज्यादा है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर का। यहाँ पर आपको चाय वगैरह और ब्रेड पकौड़ा समोसा मिल जाएगा, और कहीं पर ये नहीं है दुकानें, यहाँ पर है। और ये मैं अपना लाइनर दिखा रही हूँ कि बारिश की वजह से पूरा फैल चुका है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं था। और यहाँ पर सेम मंकी बहुत ज्यादा है, और बचा बचा के हमें छुपा छुपा के जाना पड़ रहा था अपना प्रसाद लेकर। तो हमारा प्लान बना कि बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी और हम लेके आए थे घर से लंच, तो यहाँ लंच यहीं पर कर लेते, क्योंकि यहाँ पर बैठने की पूरी सुविधा थी। यहाँ पर दीदी और लेके आए थे आलू पूरी और अचार, तो हमने बारिश में किया लंच इंजॉय, और सच में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना लंच खाने में, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को पूरी नहीं खानी थी, तो सभी बच्चों ने अपने लिए ऑर्डर कर लिए थे ब्रेड पकोड़ा। तो यहाँ पे सब बच्चे खा रहे हैं ब्रेड पकोड़ा, और सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सफर में दिन भर से चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट मंदिर पर, जो है कालू सिद्ध टेम्पल। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह था, ये भी जंगलों के बीच में होते हुए गुजरता है, और ये हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं। और ये देखिए बारिश तो अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, पूरा दिन बारिश हुई थी, और बारिश में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था हमें। यहाँ पे छोटी सी नदी बगल से बह रही थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखिए कितने सुंदर मंदिर है, आपको 10-12 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर जाना होगा मंदिर के लिए। और मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है कालू सिद्ध मंदिर का अपनी लाइफ का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर भी आपको प्रसाद मिल जाएगा, यहाँ पर भी 100 रुपीज़ का प्रसाद था, जो कि चारों जगह गुड़ का प्रसाद चढ़ता है, गुड़ की भेली वाला प्रसाद चढ़ता है। और ये देखिए मंकी और डॉगी सब आपको मंदिर पर मिलेंगे। और ये मेरा छोटू सा बेटा अपनी वाटर बॉटल लेके साथ जा रहा है, क्योंकि इसको प्यास लग जाती है बीच बीच में। तो चलते हैं हम कर लेते हैं मंदिर के दर्शन। यहाँ पर भी बिल्कुल भीड़ थी, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी, हमने बहुत अच्छे से तसेली से दर्शन किए थे। होता है ना धक्का मुक्की हो तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन किए थे, बहुत ज़्यादा सुकून मिला दिल को। और हमने बजा ली है यहाँ पर
घंटी, भोले बाबा को अपने आने का पता भी तो लगाना चाहिए कि भोले बाबा हम आ चुके हैं आपके मंदिर पर, तो हमने जोर जोर से बजाई घंटी और चल दिए बाबा के दर्शन करने के लिए। ये है कालू सेठ टेम्पल, तो आप लोग भी बाबा के दर्शन कर लीजिए, भोले बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। जय हो भोले बाबा की। नवी बोलो जय हो भोले बाबा की। जय भोले नाथ। ये भी आया है यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए, छोटा सा मंकी, इसको प्रसाद खाना है। ओ उसका बेबी भी आ गया, ओ देखो 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 देखो, ओहो वाओ। गाइस तो मैं पहुंच चुकी हूं घर पर और हालत देखकर आप समझ ही सकते होंगे कि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। सुबह से उठ के निकले हुए हैं, 9 बजे करीब हम निकल चुके थे, चारों सिद्ध हमने कंप्लीट कर लिए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, क्योंकि आज ऐसा कोई वो नहीं था छुट्टी का दिन, सैटरडे संडे जो हमें भीड़ मिलती, आज छुट्टी नहीं थी। बस DM के ऑर्डर आए थे कि बच्चों की छुट्टी है, तो हम लोग चले गए थे मंदिर चार सिद्ध करने के लिए। सावन भी है तो सावन ने बहुत अच्छा माना जाता है चार सिद्ध पूरा करने का, तो हम करके आ चुके हैं पूरे। और यहाँ पे दीदी वगैरह सब आए थे, चाय वगैरह उन्होंने पी और अब वो निकल चुके हैं घर के लिए। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और ये देखिए कितना परेशान हो रहा है, ये घर पे अकेला था ना तो इसको ना बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है मम्मा के ऊपर। ये देखो क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अब ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।